अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, देखने वाले सभी का प्यार भरा दुआओं भरा सलाम। कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और हमेशा कहती हूँ दुआएं देते रहना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए। अच्छा, अब मौसम ऑफ कोर्स एकदम चेंज हो जाता है। कराची का मौसम कभी कभी बड़ा हसीन होता है, वो इसलिए कि एज कंपेयर टू इस्लामाबाद या मैं कहूँगी कि थोड़ा बहुत लाहौर में भी मौसम ज़रा कबले कहूँगी कि कंपेयर टू कराची बहुत बेहतर होता है। और इस्लामाबाद, मरी, इस जगह का मौसम चाहे गर्मी भी हो लेकिन वहाँ की हरियाली, पहाड़ और ख़ूबसूरत नज़ारे ऑलवेज यानी कि 12 महीनों में बहुत ही खूबसूरत और हसीन होते हैं। लेकिन हमारे कराची का मौसम कभी कभी, जैसे आज बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बारिश नहीं हो रही लेकिन फिर भी मौसम बड़ा हसीन है। तो मैं कहना चाहती हूँ खूबसूरत मौसम तो है, एंजॉय भी कीजिए। कहीं पकोड़े बन रहे होंगे, कहीं कुछ जाने का आउटडोर जो है वो एक सोच रहे होंगे आप लोग कि चलें आज छुट्टी करते हैं और अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हैं। मना नहीं है, कोई बात नहीं है। ऑफ कोर्स आप लोग जाना भी चाहते हैं, एक मौसम का लुत्फ उठाना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ कुछ चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती हैं जो हम लोग, कुछ लोग तकलीफ़ में भी होते हैं, हम उनका भी ख्याल रखें क्योंकि मौसम अभी आने वाला है सर्दी का और कुछ लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। राशन भी ज़रूरत होता है लेकिन गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत होती है, जिस तरह हम लोगों को ज़रूरत होती है। स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, रज़ाइयाँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम अपने घर में, समटाइम ये होता है कि हमने भी 2-3 साल अगर इस्तेमाल की होती है तो हम इसको फेंकने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि अब हम इसे यूज़ नहीं करना चाहते। लेकिन फिर अगर हम एक सोच लें कि हम ऐसे लोगों को ये चीज़ दे दें जो इसका यूज़ कर लें तो कितनी अच्छी बात है। कुछ लोग हैं बहुत सारे अच्छे एफर्ट्स कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं इन तमाम चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो लोग जो नीडी होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, उनको ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, अपने बच्चों में भी ये पॉजिटिविटी, ये एक हेल्पिंग हैंड बनने की जस्तुजू भी डालें और उनके अंदर ये सिम्टम्स होंगे तो ऑफ कोर्स वो किसी की भी मदद करने को ऑलवेज तैयार होंगे। मदद करना बहुत अच्छी बात है और ज़रूरी नहीं है आप जहन में सोचें कि पैसों से ही मदद की जा सकती है। नो, आप किसी की सेहत के लिए भी मदद कर सकते हैं। कोई बीमार है, उसको उसकी बीमारी के लिए उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं, ये भी मदद होती है और अल्लाह पाक ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है। और बच्चे जब आपको देखते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको कुछ ऐसा काम करें, वो आपको बता रहे हैं कि बेटा आज मैं इधर चला गया था, कोई जो है बंदा बीमार था, आज मैं उसको हॉस्पिटल ले गया, उसको दवा दिलाई या वो ज़ख्मी हो गया था, तो जब बच्चों के अंदर ये बातें डाली जाती हैं तो उनके अंदर भी ये पैदा होता है कि हमें मदद करनी चाहिए। इससे क्या होता है, अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं और हमारी अपनी भी रूह बड़ी खुश होती है, तो हमें भी अंदर से एक अच्छा अच्छा सा फील होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि हम लोग समटाइम ये समझते हैं कि पैसों से ही मदद होती है। नहीं, आप किसी को बुक्स दिला दें छोटे बच्चे को, ये भी एक मदद होती है। और बराबर में आपके कोई, आपके ऐसी जो आपके इर्द गिर्द अक्सर मैंने देखा कुछ बड़े घर होते हैं, करीब ही कोई छोटे घर भी होते हैं। अब अल्लाह पाक सबको अपने हिसाब से देता है, वो बेहतर जानता है कि किसको कितना देना चाहिए, किसको नहीं देना, उसमें क्या राज है, ये उसका राज है, हम नहीं जानते। तो हमारे नज़रों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके रोज़ाना, कुछ ऐसे गदागर होते हैं जो गली में रोज़ाना भी आते हैं, आप उनसे वाकिफ भी होते, तो उनको कुछ ज़रूरत है उनके कपड़े, उनको कपड़े प्रोवाइड कर दें, अपने बच्चों के कुछ कपड़े जो आपके यूज़ हो चुके हैं वो आपको दे दें। तो मदद किसी तरह भी, उसकी शक्ल डिफरेंट होगी लेकिन कहलाई वो मदद ही जाएगी, हेल्प जैसे कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे आज मैं मौसम के मुनासबत से, कुछ चीज़ें होती हैं हम भूल जाते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं हम लोग खुशियों में सिर्फ अपनी खुशी को ही सोच रहे होते हैं, हम और चीज़ें नहीं सोचते। तो आप अपनी खुशियों में भी उन लोगों को कभी ना भूलें जो लोग हमारे से एक आस लगा के बैठे हैं, एक उम्मीद लगा के बैठे हैं। और ये सिर्फ उन लोगों के अंदर होता है जिनके अंदर रब रहता है,
खुदा जिनके दिल में रहता है वो ये छोटी छोटी चीज़ों को कभी नहीं भूलते। सिर्फ सजदा करने से ही मेरा रब नहीं खुश होता, बल्कि मेरा रब कहता है मैं उससे खुश हूँ जो मेरे आगे, जैसे उन्होंने अपनी तख्लीक की है ना, तो वो मेरे जहन में कभी कभी ऐसी बातें आती हैं कि मैं कहती हूँ कि कुछ ऐसी बात ना कह दूँ कि शायद आपकी दिल आजारी हो जाए। तो खुदा उनसे खुश है जो उसके बंदों को खुश रखते हैं। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी ज़रा सा देखा करें, बच्चों को और ऐसे लोगों को जो नीडी होते हैं। मेरे जहन में भी जैसे मौसम चेंज होता है ना, या मैं चाहती हूँ मैं अपनी अलमारी से जब चीज़ें निकाल रही होती हूँ, कुछ भी चीज़ें, यहाँ तक कि ज्वेलरी भी अगर मेरी यूज़ में नहीं है तो मैं कहती हूँ मैं उनको एक शॉपर में डाल देती हूँ, कपड़े और ब्लैंकेट्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें। अभी मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं तो मेरे जहन में वही चीज़ मैसेज मेरे जहन में भी घूम रहा था कि मैं आपसे शेयर करूँ कि वो चीज़ें जो हम लोग जब आगे जाहिर सी बात हम और चीज़ें खरीदते हैं, चप्पल भी खरीदते हैं, शूज़ भी खरीदते हैं, तो आप लोगों की फैमिली होती है कुछ बच्चों पे भी मोहित होती है, फिर आप लोग हर साल चेंज करते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें आप एक शॉपर्स बड़े बड़े बना लें और जब आपको महसूस हो कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं आप उनको ये दें, तो यकीन करें वो आपके दिल की गहराइयों से आपको दुआ देंगे। और इससे आपका कोई एक्सपेंस नहीं, आपने तो फेंक ही देने, तो आप ऐसे बंदे को क्यों नहीं जरा सा साफ सुथरा करके उसको शॉपर में शूज अलग डाल दें और ड्रेसेस अलग कर लें, स्वीटर्स अलग कर दें, टोपी हैं, सॉक्स हैं, तो उनको वॉश आउट करके हम लोग रख देते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं यार तो बहुत पुराने हो गए, तो हम उनको सबको एक, यहाँ तक कि शादी के ड्रेसेस भी ऐसे हो जाते हैं। तो आप अपने ऐसे लोगों को जो नीडी हैं उनको ज़रूर दें। लेट्स सी, ये है मैसेज आज का। और अब चलते हैं हम अपने, क्योंकि आपको पता है गुड मॉर्निंग विद सभी में अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट। हम लोग आइस के ऊपर भी आई स्पेशलिस्ट आए थे, फिर हमारे दरमियान हर्बलिस्ट हैं, फिर बोन स्पेशलिस्ट हैं, शुगर पे भी बात हुई, फिर और बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स पे बात हुई, गायनेकोलॉजिस्ट भी यहाँ पर आई और हेयर एक्सपर्ट भी आए, तो हर तरह के हम लोगों ने स्किन से भी रेलिवेंट बात की। और हम लोग बात करते हैं तो फिर बहुत सारी हमारी बीमारियों से रेलिवेंट, जैसे हम लोग समझते हैं असाबी कमजोरियाँ हैं, कुछ लोग पैरालाइज हो जाते हैं, ख़ास तौर पे स्पेशल चाइल्ड होते हैं, और कुछ लोग घर से या कुछ भी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो नशे के आदि भी हो जाते हैं, और वो कहाँ कहाँ मिस्टेक्स होती है आज हम उस पर बात करेंगे। और आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। कुछ लोग यंग एज में भी नशा करते हैं, जैसे स्मोकिंग तो एक अलग है, लेकिन एक ड्रग्स अलग है, ड्रग्स इज़ बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। कुछ लोग इस चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको अपने की पहचान नहीं होती। स्मोकिंग वाले तो जानते हैं, वो थोड़ी देर अपने आप को लज्जत थोड़ी देर फील करते हैं, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनकी एक चाह होती है थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो ड्रग्स वाले होते हैं ना, आपने देखा होगा रोड के ऊपर बहुत सारे लोग बड़े मसरूफ़ होते हैं, ऐसे यूँ चादरें शादरें ओढ़ के बैठे होते हैं, और बड़े मज़े से उन्होंने एक हथेली पे कुछ रखा होता है और बड़ी, और फिर उनका वो एरोप्लेन उड़ जाता है, ऐसा है। फिर उनको नहीं पता ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे अब्बू हैं, वो हर चीज़ को यानी कि गुनाह करते हुए भी नहीं सोचते, वो किसी को जान से भी मार सकते हैं। तो ये होता है वो नहज पर आ जाते हैं जहाँ से वापसी कभी कभी मैं समझती हूँ नामुमकिन हो जाती है। लेकिन इसके लिए फैमिली बहुत सेक्रीफाइस करती है, इसके लिए बहनें, माँ बाप, और आज वो लोग हमारे दरमियान होंगे, बड़ी बात होती है कि वो लोग तो बड़े जिगर के लोग होते हैं। ये डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ जो ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कुछ पेरेंट्स अपने बेटे को ला रहे हैं और बता रहे हैं कि ये तो कितने दिल से सुन रहे होते हैं कि वो जिस गोद से उन्होंने अपने बच्चे को पाला होगा, दिल से लगाया होगा, उसकी उल्टियाँ साफ की होंगी, उसको अपने हाथों से खिलाया होगा, आज उसको यहाँ एडमिट करने आ रहे हैं और उसके साथ इतना वक्त स्पेंड किया होगा, हैप्पीनेस मूड, आज उसका बच्चा उसके हाथों से निकलता चला जा रहा है, तो ये लम्हात जो होते हैं ना, मैं क्या कहूँगी, लम्हे फिक्रिया बोलूँगी। तो आज हमारे दरमियान वो डॉक्टर्स भी मौजूद होंगे, और आपके दरमियान अगर इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं या लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। I'm not afraid to die.
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपके खिदमत में एक बार फिर। और बात कर रही थी मैं ड्रग्स की, और ड्रग्स में बहुत सारे नशे होते हैं, और इस वक्त जो स्पेशली क्योंकि बात करूंगी, एक नशा है जो स्टूडेंट को बहुत अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा है, और उनकी नज़र में वो जो नशा है वो उनकी जहन में शायद में भी है कि वो बहुत तो उनको हेल्पिंग हैंड दे रहा है एजुकेशन में, और उनको जो नींद ना आए तो अपने आप को जागने के लिए यूज़ करें। और मैं हैरान हूँ कि स्टूडेंट होके, एक एजुकेटेड पर्सन होके इतनी बड़ी मिस्टेक मुझे नहीं समझ में आती, लेकिन आज यहाँ पर हेल्थ कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, ऑफकोर्स वो बताएंगे। तो सबसे पहले मैं उनको मिलवाती हूँ आपसे, और फिर इस मौजू पे गुफ्तगू होगी कि आइस नशा या इसके अलावा और कौन से ड्रग्स हैं जिससे हमारी जनरेशन या हमारे लोग वो हैं तबाह हो रहे हैं। बहुत ही सीनियर पर्सन यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत टाइम से ड्रग्स के ऊपर काम करें, और इनके नज़रों से बहुत सारे पेशेंट्स भी गुजरे होंगे, कुछ ठीक हुए होंगे, कुछ नहीं ठीक हो नहीं होंगे, मे भी ऐसा भी होगा। लेट्स सी, उनसे बात करते हैं। इस वक्त वकील मुराद साहब मौजूद है, एडिशनल काउंसलर हैं, डायरेक्टर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे भी गुफ्तगू जारी और सारी रखनी है, आपकी इजाज़त है। मैं आपके साथ एक हमारे एक और गेस्ट मौजूद है, उनका भी इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मेरी बड़ी प्यारी सी बहन मौजूद है यहाँ पर, और वो भी रेलेवेंट टू ड्रग्स हैं कि इसी गुफ्तगू में वो ऑफकोर्स अपना एक्सपीरियंस जो उनके नज़र से जो गुजरा है वो हमसे शेयर करेंगी। और आज बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, मेरे ख्याल में जब से मैंने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया है ड्रग्स पर अभी तक बात नहीं हुई है, तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पर सानिया आसिफ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और विलिंग वेज कराची हॉस्पिटल से भी हैं, और ऑर्गेनाइजेशन भी कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा जी सिस्टर, ऑफकोर्स मैं पहले सर से सवाल करूँ, चले जी। मैं वकील साहब ये बताइएगा, मैंने जो अभी स्टार्ट में कहा कि एक नशा है और वो स्टूडेंट करें, तो क्या आप के सामने ऐसा कुछ गुजरा है वो उसके बारे में बताइए, ये बच्चे क्यों करते हैं, हमारी यूथ ये क्यों कर रही है? देखें, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में इंट्रो में बताया कि स्टूडेंट्स जो हैं ये एग्ज़ाम्स के दिनों में एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए ये किया करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन वो टैबलेट की शक्ल में नशा होता है जिसको रिटालिन बोलते हैं। लेकिन अब जो नशा नौजवानों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है ये आइस मैथ इसको बोलते हैं, या इसको जो है वो मेथैम्फेटामिन भी जो है वो बोला जाता है, आइस भी इसको बोला जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर जो है वो मेथैम्फेटामिन जो है वो पाई जाती है। ये नशा वो है जिसने नशों की जो पूरी हिस्ट्री है ना वो चेंज करके रखती है। अगर आपने सुना होगा कि लोग नशा करते थे आज से 20-25 साल 30 साल पहले, तो लोग सुस्त रहते थे, पड़े रहते थे, जो आदमी इंतहाई सुस्त और निकम्मा होता था उसको कहते थे ये नशाई है क्योंकि वो कोई काम नहीं करता था। इतना सीरियस टॉपिक सर ने ऐसी बात की, मुझे हंसी आ गई। अच्छा, बाकी वैसे कहते जो लोग पड़े रहते कहते हैं नशाई है। हाँ, नशाई है, नशाई होने का मतलब ये होता था कि वो ऑल द टाइम सोया रहेगा या सुस्ती में रहेगा, लेकिन इस नशे ने पूरी तारीफ और डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। अब ये नशा इस किस्म का है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये सोने नहीं देता, ऑल द टाइम ये बंदे को एक्टिव रखता है, चूँकि ये स्टिमुलेंट है, ये आपके ब्रेन को जगा के रखता है, इतनी तहरीक दे के रखता है कि लिटरली जो नौजवान ये नशा करता है तो वो सोने से नफरत करता है, उसको नींद आती ही नहीं, और उसका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसी वजह से ये जो नौजवान हैं ये 3-3 दिन 4-4 दिन इवन 1-1 हफ्ते तक नहीं सोते, सारी सारी रात जो है ये जागते हैं, और फिर जब नशा इनका टूटता है, नशा इनको नहीं मिलता, तो फिर ये 2-2 दिन या 3-3 दिन तक लंबे टाइम तक जो है वो सोते हैं। तो ये नशा जो है वो अब 90s में और 80s में जैसे हेरोइन थी जो कि मॉर्फिन है उसके अंदर, अब ये जो नशा है ये बहुत ज़्यादा नौजवानों के अंदर जो है वो पाया जाता है, और नौजवान इसको करने के बाद यंगस्टर्स जो हैं वो ऑल द टाइम जिसे कहते हैं ना कि पार्टी ऑन है, इस वाले स्टेटस में जो है वो चले जाते हैं। और बेजार बात है कि जब आप नींद नहीं करते और जब आप आराम नहीं करते तो आप फिर अनथकन जो है वो कोई भी एक्टिविटी है वो करते रहते हैं, वो चाहे म्यूज़िक सुनना है, वो चाहे वीडियो गेम खेलना है, वो चाहे घूमना फिरना है, वो चाहे ट्रैवलिंग करना है,
तो इन हालात में जो आपकी सेहत है वो ऑफ कोर्स मुतासर होना शुरू हो जाती है, आपकी स्टडी, काम काज, कारोबार, ताल्लुकात, ये सब चीज़ें चूँकि, और इस नशे के जो ज़हनी असरात हैं वो बहुत डेंजरस हैं, और रवैयों में तब्दीली है, सोचने समझने की जो सलाहियत है वो बुरी तरह से मुतासर होती है, और फिर लोग मजबूर होते हैं वालिदैन के वो किसी स्पेशलिस्ट की तरफ जाते हैं, किसी डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट या किसी माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं ताकि उनके प्यारे का इलाज हो सके। तो वालिदैन को ये बात इस वक्त जो समझने की है वो ये है कि अगर वो अपने बच्चे के अंदर इस तरह की चेंज कोई महसूस करें कि वो सो नहीं रहा और बहुत ज़्यादा जाग रहा है, तो ये तश्वीशनाक बात है, इसको जो है वो रूल आउट करें, क्योंकि ये नॉर्मल सिम्टम नहीं है। ओके, अच्छा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी बात की, मुराद साहब ने, कि कुछ लोग होते हैं, पहले लोग कहते थे जो सुस्त हों, काहिल हों, हम उनको नशे ही कहते थे, और इस ये जो नशा जो यूथ यूज़ कर रही है, मैं ये सवाल अभी इन्हीं से पूछूंगी, लेकिन ये सवाल इनसे इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स डॉक्टर साहब ये बताएं कि लेने के बाद आपने कहा एनर्जी तो मिल गई और वो सोता भी रहता है, उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? देखिए, इसके जो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं वो ये हैं कि जो वहम और शकूक हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो इंसान आइस मेथ इस्तेमाल करता है इसको कहते हैं डिलूजन्स, या वो बहुत ज़्यादा पैरानॉइड हो जाता है, वहमी और शक्की हो जाता है, उसको कभी लगेगा कि मुझे वॉच किया जा रहा है, कभी उसको लगेगा कि मेरे ऊपर कैमरे लगा दिए गए हैं, कभी उसको लगेगा मेरा मोबाइल जो है किसी ने या लैपटॉप जो है वो हैक कर लिया है, कोई मेरे पीछे लगा हुआ है। जो ख्यालात हैं वो टोटली चेंज हो जाते हैं, जिसमें गुस्से का आना बहुत ज़्यादा हो जाता है, गुस्सैल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब की बातें सुन के तो मैं हैरान हो गई कि यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट और इससे रिलेटेड जो हमारी दरमियान जो डॉक्टर सानिया आसिफ मौजूद हैं, क्योंकि शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट और वो बेहतर बता सकती हैं कि ऐसे पर्सन जो इस तरह के उसके सबकॉन्शियस में इस तरह की बातें आने लग जाती हैं इस ड्रग्स के बाद, क्यों कितने साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन इससे पहले मैं कॉल लेना चाहूँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हमारे दरमियान एक कॉलर। कैसी हैं याहिया? बात कर रहे हैं याहिया, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों मौजूद हमारे साथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू आपने रेज किया है, और नशा अब इस नशे की नोयत में बहुत चेंज होती जा रही है, समझे, मुख्तलिफ किस्म के नशे आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यानी ये पैरेंटल कंट्रोल भी होता है, गवर्नमेंट का भी होता है, ये यानी मल्टीटास्किंग के बाद ही इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके एक्सपर्ट बैठे हैं, मेरा कहना यह कि क्योंकि इनिशियली जब कोई बंदा नशा करता है तो उसके बिहेवियर में जरूर चेंज आता है, तो ये घर वालों की जिम्मेदारी है कि वो की ऐसी बात कर रहा है ऐसे, या पैसे ज्यादा खर्च कर रहा है, या फिर ऐसी एक्टिविटी नजर आ रही है, तो आप उसको पहले देखें, चेक करें कि वो क्या कर रहा है। दूसरा ये कि देखिए, बात यह कि हम यूनिवर्सिटी, आजकल यूनिवर्सिटीज में बहुत नशे हो रहे हैं, मतलब पैसे के तौर पर नशा हो रहा है, उसमें लड़कियां भी इन्वॉल्व हो गई और बे इंतहा इसमें लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो एक तो मेरा सवाल इनसे ये है कि अगर आपके घर में एक बंदा, अगर उसने एक बच्चा कोई आपका नशा करना शुरू करता है, वो आपके जो साइकेट्रिस्ट बैठे हैं, इनसे पूछना चाहूंगा उसके बिहेवियर चेंजेस में कैसी इंडिकेशन होती है, हम उसको पॉइंट आउट कर सकें। दूसरा डॉक्टर से मेरा सवाल ये, डॉक्टर ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए जहां आपको कहते हैं नशे से निजात और फला धमाका, बहुत सारे वहां मैंने देखा है कि बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं, वहां वो नशा वो वाला छुपा के किसी और नशे में लगा देते हैं, या ऐसे ड्रग्स देने लगते हैं कि उसका सब्स्टिट्यूट जो वो ड्रग्स बन जाती है, फिर वो ड्रग्स यूज करने लगते हैं, यानी कोई ऐसी मेडिसिन देते हैं जो मुसलसल वो लेता रहता है, उसके बगैर अगर वो छोड़ता है तो फिर ड्रग्स की तरफ जाता है। अल्टीमेटली हाउ कैन वी फाइंड अ राइट प्लेस टू क्या रिहैबिलिटेशन सेंटर राइट कौन से, और हमें अभी तक इसमें स्पेशलाइजेशन मुझे नजर नहीं आ रही कि कोई जो नशे को खत्म करने वाले डॉक्टर्स हैं या उसको उनके बारे में कोई इतनी मालूम हमारे पास प्रोवाइड नहीं की जाती हमें, तो आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू याया, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब जी, देखें ये पता लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि कोई अच्छा ट्रीटमेंट सेंटर आप अपने लव्ड वन, अपने प्यारे के लिए तलाश कैसे करें। ये बहुत सी स्पेकुलेशंस, बहुत सी गलतफहमियां रिहैब्स के बारे में पाई जाती हैं, लेकिन एक फैमिली का पूरा राइट है कि वो किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर को जब चूज़ करें अपने प्यारे के इलाज के लिए, तो वो अच्छी तरह से विज़िट करें, डॉक्टर्स के बारे में पूछें, उस इदारे की जो स्टैंडिंग है उसके बारे में पूछें, वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं उसके बारे में पूछें, विज़िट करें, और वहाँ पे जो लोग ठीक हुए हैं, जो फैमिलीज़
जिन्होंने वहाँ से सर्विसेज ली हैं तो उनसे ज़रूर मिलें। यानी ऐसा इदारा जो ये सारी आपको एक्सेस देता है, तो आप समझें कि वो सही जगह है आपके प्यारे के लिए, जो आपको अंदर तक विज़िट करवाते हैं, कहाँ पेशेंट रहेगा, क्या उसका खाना है, उसकी लिविंग कंडीशंस क्या होंगी, रूम कैसा है, सफाई सुथराई कैसी है, और जो सेटिस्फाइड और सक्सेसफुल क्लाइंट्स हैं जिन्हों उनके बच्चे ठीक हो चुके हैं उनसे वो मिलवा देते हैं। यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सिस्टम। तो जहाँ सिस्टम जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, आपको एक्सेस नहीं देंगे, आपको मिलने नहीं देंगे, छुपाएंगे, आप पूछेंगे दवाई क्या है तो वो दवाई भी नहीं बताएंगे आपको, तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ छुपा के काम क्यों कर रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है। तो वालदैन के लिए सिंपल जो है वो फार्मूला ये है कि किसी जो इन कॉलर का सवाल था कि जब वो किसी रिहैब की तलाश में निकलें तो हर चीज़ का सवाल करें, वहाँ जाके विजिट्स करें और अंदर तक जगहों को देखें ताकि उनकी पूरी तरह से तसल्ली हो। ओके, ठीक है जी, हम चलते हैं। ऐसे लोग क्यों शिकार होते हैं, मैं ये सोच रही थी और ये बहुत अच्छा जवाब मुझे देंगी सानिया आसिफ, और क्योंकि शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, और जब नफ्सियात की बात की जाती है तो ऐसा कुछ ना कुछ तो रीज़न होता होगा कि बच्चा कहीं माँ बाप की लापरवाही, मिस्टेक्स ये भी कह सकते हैं, बच्चा क्या यूज़ कर रहा है, उसकी किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, तो ये यहाँ पर भी हो सकते हैं, या मियाँ बीवी की लड़ाई, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मेरे जहन में तो ऐसे चल रहे हैं, लेकिन ये बेहतर तरीके से सानिया बताएंगे। जी सानिया, ये बताइए कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से ये बंदा ड्रग की तरफ चला जाता है? देखिए, रीजंस तो बहुत से हैं। अगर हम मेन रीजंस पे जाएं तो बच्चे सबसे पहले जो दो वैलिड रीजंस हैं वो हैं, एक तो उनको एक्सपोजर होना, इजीली अवेलेबिलिटी होना, और दूसरी चीज़ है उनके रवैये उनको ड्रग्स की तरफ लेके जाते हैं। अब ये जो बच्चे हैं, जब ये थोड़ा टीनेज उस लाइफ में जा रहे होते हैं तो देखें टीवी पे, मूवीज़ पे, आपको इवन सॉन्ग्स के अंदर ड्रग्स करता हुआ दिखाया जाता है, अब एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पार्टीज वगैरह, फंक्शन, ये तो जब ये बाहर जाते हैं तो इनको एक ये फ़न टू डू एक्टिविटी नज़र आती है, इनके अंदर क्यूरोसिटी होती है कि इसको करके देखें क्या मज़ा आएगा, कैसे होगा, तो ये इस वजह से कुछ लोग फ़न, थ्रिल, एडवेंचर की वजह से भी, क्योंकि बच्चों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। फिर एक और एरिया है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि स्टडीज़ करनी है, आपको आइडियाज़ चाहिए हैं, आप किसी उसमें जा रहे हैं, तो उनको ऐसे लगता है कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनको करने से जो है इर्द गिर्द लोग होते हैं वो बता भी रहे होते हैं बाकायदा कि आप इस ड्रग का इस्तेमाल करें, इससे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, आपका जो है आपकी एक्टिविटी लेवल बढ़ जाती है, तो वो रिक्रिएशनल यूज़ की वजह से भी होता है। फिर एक और चीज़ है जो आप जिसका जिक्र कर रही थी कि ज़हनी तौर पे जो लोग डिप्रेशन हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, इस तरह के उनको अगर कोई लाइफ में स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको भी एक तरफ एक इंटरेस्ट डेवलप होता है कि उनसे गेट रिड ऑफ करने के लिए वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं। सो कुछ फैमिलीज़ के अंदर क्योंकि पहले से ही कोई ना कोई वालिदैन में, अंकल आंट की सूरत में, जहाँ वो फंक्शंस पे जा रहे होते हैं वहाँ अवेलेबिलिटी वो देखते हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हमारे पास अक्सर बच्चे आते हैं तो हम जब पूछते हैं तो कहते हैं वो मैंने अब्बू की छुपा के पी थी या अंकल की थी तो वो मैंने छुपा के, तो वो मतलब एक्सपोजर है एक तरह से। तो ये थ्रिल, एडवेंचर, फन टू डू एक्टिविटी जो है आगे जाकर ये एक एडिक्शन, एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि इर्द गिर्द अगर आपके घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है या कुछ यूज़ कर रहा है तो ऑफकोर्स बच्चा वहाँ पर से भी आपको पिक कर रहा है, ऐसा होता है, और हम लोग शायद नहीं इर्द गिर्द, वो छुप के भी ट्राई कर सकता है और वो अपने दोस्तों के दरमियान भी, अबे यार तू तो ये पी नहीं सकता और मैं तुमसे बैट लगाता हूँ और आपने जो उसको 100 रुपीज का लगा दिया बैट और उसने बोला ये तो कुछ चीज़ नहीं, अब उसको फील हुआ अच्छा, फिर वो गैदरिंग ऐसी होती है, तो इसके लिए पेरेंट्स को लुक आफ्टर करना बहुत ज़रूरी है। फिर एक बात कहना चाहूँगी, अभी उसके बाद लूँगी छोटी सी ब्रेक, और वो ये कि गवर्नमेंट लेवल पर ऑफकोर्स क्योंकि हमारी कुछ मेडिसिन बनती हैं, क्योंकि हम लोग उन मेडिसिन को यूज़ करते हैं ऑपरेशन में, किसी को इंजेक्शन के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर, रिलैक्सेशन के तौर पे या पेन किलर जैसे हम कहते हैं, उसमें ड्रग्स थोड़ी डॉक्टर्स यूज़ करते हैं कि थोड़ा उनको रिलैक्स मिल जाए, ये सो जाए, लेकिन ये ऑफकोर्स हमारे मेडिकल टर्म में मेडिसिन बनती होंगी, कुछ कहते हैं वो पोस्ट लगती है जिसमें नशा और शायद होती, कुछ मेडिसिन ग्रो करनी पड़ती हैं जैसे ज़मीन में, कुछ इस तरह की भी हैं, कुछ दूसरी भी हैं, लेकिन उसका मिस यूज़ कहाँ पर हो रहा है? मेडिसिन के तौर पर तो ऑफकोर्स चाहिए होती हैं, आपने देखा होगा हम लोग कहते हैं ना जो सिरप पी लिया उसमें थोड़ा नींद का गुनूदगी सी आ जाती है हमें, लेकिन किसी चीज़ का भी बेदरेग इस्तेमाल करना
वो हमारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। कोई भी मेडिसिन आर्जी तौर पे तो आपके लिए इजीएस्ट है या आपकी सेहत के लिए इट्स ओके, लेकिन आप उसका अपनी ज़िंदगी में इंटेक रेगुलर करेंगे ना, वो आपकी सेहत को, आपके ऑर्गन्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देगी। तो फिर सोचें ड्रग्स क्या हाल करेगी। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती है। और बात हो रही है ड्रग्स की, और बहुत ही सीनियर यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं रेलेवेंट टू हेल्थ, सानिया आसिफ एंड वकील मुराद साहब, और हम बात कर रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव। और मैं अभी गुफ्तगू करी थी ब्रेक में और मुझे बहुत इस बात पर भी दुख हो रहा था कि मैंने ऐसे ही कह दिया कि एक तो मैं बहुत ही नेचुरली जनरली बात करती हूँ चाहे लाइव शो हो, और वो बात ये हो रही थी कि मैंने कहा यार 10% हो गए नशे के लोग, लेकिन जो मुराद साहब ने मुझे ये बताया कि नहीं 80% मैक्सिमम एंड मिनिमम कह सकते हैं, तो बहुत दुख हो रहा था यार कहाँ पर जा रही है हमारी यूथ। और फिर पेरेंट्स कितना परेशान होते हैं, ऑफ कोर्स किसी के घर में ऐसा बच्चा मौजूद हो फिर हर वक्त उसको शक और शुभात की नज़र से देखा जाता है कि ये कहीं हमारी चीज़ चोरी तो नहीं करेगा। अगर चले मैं ए क्लास अपर क्लास की नहीं बात करती, मैं मिडिल क्लास की बात करती हूँ, तो ऐसे बच्चे का जो क्राइटेरिया है ना, अगर वो 20 साल का है तो हर वक्त उस जो पेरेंट्स या उसकी फैमिली, उसके बहन भाई, उस वो जो सिचुएशन है ना वो बहुत ही क्रिटिकल है। मैं ये कहूँगी सनी कैसा लगता होगा आप, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हो, एक बच्चा ठीक भी हो गया लेकिन उसको कहीं ना कहीं जुस्तजू होती होगी कि मैं यार थोड़ा सा जाके, उस वक्त मैंने जो नाम पहले लिखे थे हीरोइन बहुत सुना था, पिक्चर्स, फिर अफ्यून, इस तरह की चीज़ों के नाम मैंने सुने, मुझे या इसका नहीं मालूम था लेकिन ये तो है। और इसके नशे के लिए भी मैंने देखा लोगों को नाले के नीचे, उनको कुछ भी नहीं मालूम अब तक गंदगी कहाँ है, सोना कहाँ है, वो एक पेपर पे यूं लग के और वो नाक से, और फिर मैंने इंजेक्ट करते हुए भी लोगों को देखा इंजेक्शन से, फिर वो कहाँ पड़े हुए हैं, मक्खियाँ मुँह में जा रही हैं, आँखों में जा रही हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। तो फिर जब वो थोड़ा सा अगर ठीक हो जाते हैं, अगर शादीशुदा मर्द है जिसके दो बच्चे, अब उसकी बीवी ऑफ कोर्स उनको पिंच करी, तो वो बंदा अगर घर में भी घूम रहा होगा ना तो ये समझ रहे होंगे यार ये अभी कुछ चीज़ चोरी ना कर ली, वो चीज़ चोरी करते हुए भी उनकी, क्योंकि उन्होंने की होती है, वो घर का बर्तन भी नहीं छोड़ते, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल, देखें जो बच्चे या जो बड़े भी हैं वो जब नशे का शिकार होते हैं तो उसकी वजह से रवैये में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है, जिसमें झूठ बोलना, डिसीव करना, बहुत सारे कस्में और वादे करना, फिर उनको पूरा नहीं कर पाना, वाइफ को मारना, बेटी को मारना, बिल्कुल वायलेंट हो जाना, अब्यूसिव होना, पिटाई लगाना, काम काज पे ध्यान ख़त्म हो जाना, पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाना। इसी तरीके से जो आप चोरी की बात कर रही थी कि जाहिर है नशा करने के लिए फाइनेंसेस, अब आप काम कर नहीं पा रहे तो आपको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे अपने मोबाइल चोरी करके जो है बेच दिया, घर से लैपटॉप उठा लिया, गाड़ी के टायर उठा के कर लिए, बीवी के जेवरात हो, मतलब छोटी मोटी जहाँ से उनको होती है वो होती है, मोहल्ले में अलग जो छोटी छोटी चीज़ें चोरी करनी, हाँ वो हो जाता है इस तरीके से, पैसों के लिए लड़ाई झगड़ा करना, रोज़ सुबह उठ के एक फस क्रिएट होता है क्योंकि उनको पैसे चाहिए होते हैं, गाड़ी चाहिए होती है, तो इन चीज़ों पे जो है फिर ये घर में माहौल ख़राब होता है। और जो आपकी बात है कि जब एक पेशेंट ठीक होके जाता है तो जाहिर है फैमिली का ट्रस्ट अभी बिल्ड नहीं हुआ हुआ होता, लेकिन जब आप काउंसलिंग में रहते हैं इसीलिए पेशेंट को सिर्फ एडमिट नहीं किया जाता, साथ में फैमिली की काउंसलिंग होती है और बहुत सी चीज़ों पर काम किया जाता है, पेशेंट के नशा छुड़ाने के साथ साथ पेशेंट के रवैये पे काम होता है, फैमिली को बहुत सी चीज़ों को हम आप समझे कि पूरा एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जो हम फैमिली को देते हैं। तो फैमिली उसके बिहेवियर्स को समझती है, कहाँ कैसे उसको डील करना है, बातचीत कैसे करनी है, उसके रवैयों को तब्दील करने के लिए अपने रवैये में क्या तब्दीली लानी है, घर के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस लानी है, ये सारा एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसमें से फैमिली को गुजरना चाहिए। लेकिन एक बात है मुराद साहब, कोई भी माँ के पेट से तो कुछ भी नहीं सीख के आता, ऑफ कोर्स या तो एनवायरनमेंट से सीखता है या अपने एनवायरनमेंट से रेलेवेंट या अपने घर की कुछ इर्द गिर्द की चीज़ों से सीखता है, ऑफ कोर्स घर का क्या माहौल है बड़ा काउंट करता है, आपके घर का माहौल इनिशियली पहला इब्तदाई कदम हमारा घर से शुरू होता है। तो हम अपने घर में अगर आपके बच्चे, पहले तो हम औलाद की दुआ करते हैं कि
कि अल्लाह पाक हमें औलाद दे, तो जब औलाद अल्लाह पाक दे देता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक फ़र्ज बनता है। देखिए खुदा ने हमें पैदा किया ना, तो इसलिए नहीं पैदा कि उन्होंने हमसे कुछ काम लेना है, तो अब वो काम की कुछ शक्ल डिफरेंट होती है। अब काम से ये नहीं कि हम कोई फलाई काम करना शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। उस काम से मतलब ये कि आप कुछ भी अच्छा काम करना चाह सकते हैं, अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत भी एक ऐसी ड्यूटी है, एक ऐसा फ़र्ज है जो अगर अच्छा आगे आपकी औलाद करेगी वो भी एक सदका जा रही है। अब आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि कैसी आपने तरबियत की है। आप अपने अपने बच्चों पे नज़र रखेंगे ना, हर वक्त आप यूँ खौफज़दा उनको रखें नहीं, उनसे अपनी दोस्ताना माहौल रखें, थोड़ा डांटें भी, उनसे पूछें। अब ये नहीं बच्चे बाहर खेलने चले गए, हर ऐसा क्लासिफिकेशन है, इसे कोई हम डिनाई नहीं कर सकते, ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो हर क्राइटेरिया में अगर आप अपने बच्चों को थोड़ा लुक आफ्टर करें, बल्कि थोड़ा नहीं मैं कहती हूँ, आपकी औलाद है, आपने जितनी चाहो से उसको दिल से लगा के रखा है एक दो साल तक, तो आप उसको किस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, तो आप एक दो साल नहीं, जब तक वो बच्चा किसी मकाम तक नहीं पहुँच जाता तब तक आपका फ़र्ज बनता है। अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, तब तक आप अपने बच्चों के साथ अटैच रहें, आपका खून है, आप उसको ऐसा नहीं छोड़ सकते। लेकिन उसका रिजल्ट देखें कितना बुरा होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको फिर ये सब चीज़ें अपनी खुली आंखों से देखनी होती है, फिर आपका दिल बहुत दुखता है। मैं कहती हूँ पेरेंट्स का बहुत दिल दुखता है जब उनके सामने उनके बच्चों को जब नशा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जब उनके पेरेंट्स को कोई आके बोलता है कि जी आपके बेटे ने मेरी जो है ना ये बाइक चोरी कर ली है या मेरे पैसे निकाल लिए, तो कितनी उनको तकलीफ होती होगी। देखिए ये जो नशा है ये इट्स अ फैमिली इलनेस, एक बंदा नशा करता है पूरी फैमिली सफ़र करती है। जो फैमिली है वो फिज़िकली साइकोलॉजिकली दोनों सूरतों में उन पे होता है। देखें अगर घर में पेरेंट्स ऐसे मौजूद हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। साइकोलॉजिकली अगर हम पहले बात करें, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ने से एंगर, उनके एंगर इश्यूज़ बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आगे अगर उनको डायबिटीज़ है, उनको शुगर की बीमारी के साथ साथ अगर उनको हाइपरटेंसिव है वो, उनको कोई और इस तरह की कोई डिप्रेशन है उनको, तो वो चीज़ें भी उनकी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अच्छा हम उनको ऐसे पर्सन को कैसे काउंसलिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पर्सन है, उन्होंने एक बात ऐसी की, उन्होंने कहा क्या है मैं अपने घर को सब चीज़ें प्रोवाइड, ऑफकोर्स उसके हाथ में एक हुनर है, वो कहता है कि मैं ऑटो वाला है ना, उस पर्सन से मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि बुरी बात है, देखो तुम्हारे छोटे छोटे मासूम बच्चे, तुम्हारी बीवी है, तो कहता घर में सब चीज़ें तो पूरी करता हूँ, तो अगर मैं शराब पीता हूँ तो कौन सी मतलब मैं गलती करता हूँ। इर्द गिर्द के कुछ लोगों ने कहा कि यार इसके छोटे छोटे बच्चे, फीलिंग आ जाती है हर किसी की, तो उसने ये जवाब दिया। ऐसे बंदे की काउंसलिंग कैसे की जा सकती है? देखिए ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनको वो एक फेज़ हम उसको टर्म यूज़ करते हैं, वो डिनाइल में होते हैं, दे कैन नॉट सी द इफेक्ट्स, वो जो फिज़िकल साइकोलॉजिकल और जो स्ट्रेस लेवल और जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको वो उस तरीके से देख नहीं सकते। तो जैसे जैसे आप नशा आपका बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका डिनाइल यानी हकीकत से इनकार करना भी ये कंडीशन है, साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें से ये मरीज़ हमारे गुजरते हैं। तो जब आप उनसे बात करते हैं तो उसी तरह के जवाब देते हैं, पैसे मेरे पैसे हैं, अपने पैसों से पीता हूँ, किसी से चोरी करके तो नहीं पीता, पीता हूँ तो मेरा लिवर ख़राब होगा, किसी और को क्या तकलीफ़ है, घर वालों को तो हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन जो बात मैंने अभी की ना कि इट्स अ फैमिली इलनेस, एक बंदा पीता है लेकिन सफ़र सब लोग करते हैं। आप पी के जब घर जाते हो आपका रवैया चेंज होता है, आप सोबर नहीं होते, आप बहकी हुई अजीब अजीब हरकतें करते हैं, तो जाहिर है बच्चे की साइकी पे भी फर्क पड़ता है, घर का माहौल खराब होता है, बच्चों की परवरिश पे फर्क पड़ता है, बीवी से जो एक रिलेशन है वो खराब हो जाता है। तो ये चीज़ों पे लेकिन वो नजरअंदाज करते हैं, वो देख नहीं पाते, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं सनिया, और इनकी नज़रों से बहुत सारे ऐसे पेशेंट गुजरे होंगे तो वो रियल बातें खुद ब खुद निकलती हैं। अच्छा मैं मुराद साहब से ये पूछूंगी, मुराद साहब आपने ड्रग्स तो आप ऑफ कोर्स, तो इसमें और कौन कौन से क्राइटेरिया के लोग हैं जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को लाते होंगे और बताते होंगे कि यार डॉक्टर साहब अब प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारे बच्चा या मेरा भाई या मेरी बेटी है जो इस प्रॉब्लम से, तो कौन सा सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर जो है वो ड्रग्स आपके पास आता है कि इससे रेलिवेंट पेशेंट है? मेनली आइस मैथ आजकल और चरस के पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, जो कि 16 की एज से लेके 60 की एज यानी 16 से 60 साल की उम्र के दरमियान में पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हमारे पास आते हैं। अच्छा लड़कियां भी हैं इसमें? बिल्कुल, इसमें फीमेल्स भी शामिल हैं। अच्छा अभी आपने जो जब ब्रेक था तो बात कही थी, उसमें थोड़ी तसी कर लीजिएगा
कि 10 में से जो है वो 4 लोग अंदाजन यानी जो अदाद शुमार बताते हैं 10 में से 3 से 4 लोग किसी न किसी नशे का इस्तेमाल करते हैं, ये अदाद शुमार है। ये भी कुछ अच्छी बात तो नहीं है डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं उसमें फिर आगे चल के जो लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं उसमें से 10 से 15% नशे की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। एक होता है नॉर्मल नशा इस्तेमाल करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कुछ लोग नशा इस्तेमाल ज़रूर करते हैं लेकिन उनको एडिक्शन नहीं होती या डिपेंडेंट वो नहीं होते, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे कहते हैं कि नशे की बीमारी नहीं होती। नशे का सोशल यूज़ या नशे का नॉर्मल इस्तेमाल और नशे का एडिक्टिव यूज़, दोनों में बहुत फ़र्क है। हमारे पास जो लोग आते हैं इलाज के लिए वो एडिक्शन की स्टेज पे जब पहुंच जाते हैं उस वक्त वो इलाज के लिए आते हैं। जब तक एडिक्शन नहीं होती तो नॉर्मली पता भी नहीं चलता कि कोई नशा करता है, बच्चा या नौजवान या बड़ा, क्योंकि नशा करके वो नॉर्मल ही तकरीबन रहता है और पहले जैसा ही काम कर रहा होता है या पहले से भी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा होता है। चूँकि कुछ नशे ऐसे हैं जिनको करने के बाद आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और नहीं पता चलता कि आपने नशा किया हुआ है। शोबिस से रिलेटेड जो लोग हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या और प्रोफेशंस में भी, मेडिकल के शोबे में, हवाबाजी के शोबे में, मुख्तलिफ शोबों में लोग जो पीक पे हैं, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, एंड दे टेक सम काइंड ऑफ सब्सटेंस लेकिन पता नहीं चलता। जो हम उनको जो है वो फिर एडिक्ट नहीं बोलते या एडिक्शन नहीं बोलते, चूँकि जैसे तमाम लोग मीठा खाते हैं तो सबको डायबिटीज़ नहीं होती, तो एक स्टेज पे जाके जब डायबिटीज़ हो जाती है तो वही मीठा फिर आपके लिए जहर हो जाता है। बिल्कुल ठीक तो है। तो एडिक्शन में भी ऐसे ही है कि जब तक आपको एडिक्शन नहीं होती हालात नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब एडिक्शन हो जाती है तो फिर आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, फिर आपके हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो फिर उन लोगों के लिए नॉर्मली होता है, या वो लोग जब एडिक्शन की तरफ आ जाते हैं तो तब उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, इलाज की ज़रूरत पड़ती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो ख़ुद से इस चीज़ से छुटकारा हासिल करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। मुश्किल हो जाता है। फिर फैमिली की ट्रेनिंग चाहिए, फिर उस पर्सन की काउंसलिंग चाहिए, फिर एक पूरे घर को जो है वो चेंज होना पड़ता है। ये पूरा प्रोग्राम है जो फिर हम देते हैं, जैसे मैडम सानिया ने बोला कि इट्स अ फैमिली डिजीज़, ये पूरी पूरे ख़ानदान की बीमारी बन जाती है, चूँकि मुतासर सभी होते हैं। तो जब एक बंदा कोई सिगरेट पीता है ना, तो जो आप ये ना समझें वो एक मुतासर हो रहा है, जो उसके साथ साथ दूसरे लोग भी बैठे हैं या उस जगह कमरे मौजूद हैं तो पैसिवली वो भी स्मोक कर रहे हैं। आपके घर में अगर कोई एक फर्द है जो कि सिगरेट पीता है तो आप उससे बात करें कि ये एक आदमी सिगरेट नहीं पी रहा, बच्चे भी पी रहे हैं, वाइफ भी पी रही है और पूरे पेरेंट्स भी। बिल्कुल ठीक है। वो फीलिंग या तो किसी को, जैसे मुझे बहुत ही बुरी लगती है, इतनी गंदी स्मेल लगती है ना, जैसे मैं किसी रूम में जाऊँ और कहीं कोई पी रहा हूँ ना, मैं फौरन रिटर्न हो जाती हूँ। मुझे उसकी दिमाग को एकदम डिस्टर्ब कर देती है। और ये आपके बच्चे किसी तरह का भी आप नशा कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप कोई आपके मुंह से कुछ अजीब सी स्मेल जो ड्रग्स से रेलिवेंट है या नशे से रेलिवेंट है, चाहे वो स्मोक हो, डाइक, कुछ और भी हो, कुछ और भी लोग बड़े मज़े से चाह से खाते हैं गुटखा पान मावा, और वो जो छोटे छोटे आपके मासूम बच्चे आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना, तो वो जब उनको अगर उनको समझ में आ गया या उनको अच्छा लग गया, वो कुछ तो मैंने देखा पेरेंट्स बड़े मज़े से बच्चों के मुंह में छालियाँ डाल रहे होते हैं कि मैं छालियाँ खा रही हूँ तो मैं इसको भी 2 दाने दे रही हूँ। तो आप फिर सोच लें, उसने अपने बैग ना एक वक्त होगा अपने बैग छालियाँ से भर लेगी। और मैंने ऐसी बंदी को देखा है अपने कॉलेज गोइंग में, तो उस बच्ची की किडनी ख़राब हो गई थी वो छालियाँ खा खा के। ये इनिशियली उसकी माँ ममा खाती थी तो ऑफकोर्स उसके अंदर सिम्टम आए और फिर ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम्स कहीं पर भी आपका ऑर्गेन, कहीं पर आपका इम्यून सिस्टम लैक होगा तो वो ऑर्गेन आपके ब्लड में या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको डिस्टर्ब करेगा। तो बस मैं तो ये कहूँगी कि हाथ जोड़ के कि अपने बच्चों की ज़रा सा आप उनको ज़रा लुक आफ्टर करें कि खुदा न खास्ता, और अपने घर के भी और इर्द गिर्द के कहाँ जा रहे कहाँ आ रहे। तो ये शुरू में कभी भी आपने देखा होगा एक पौधा है जब वो निकलता है छोटा सा नन्ना सा, और जब उसको जहाँ पर भी आप जिस पोस्चर में डालना चाहे ना वो उसी कंडीशन में आएगा, चाहे उसको किसी बेल की सूरत में दीवार पर चढ़ा दें, दरख्त पर चढ़ा दें या किसी डंडे पे, तो वो वही वो उसकी जो है ना
क्रिएशन उसी तरह हो जाएगी। तो हम लोग जब बच्चों को इनिशियली स्टेज होती है 6 साल की 10 साल तक के, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी से लेके मैक्सिमम 6 to 8 ईयर होगी जो आपकी बात को समझेगा कि आपने कैसा उसको समझाया, क्या कहा है, वो कहाँ पर मिस्टेक आप लोग करते हैं जब आप अपने पास इतना ज़्यादा पैसा होता है और आप कहते हैं जी वो अपने वो के नैनी को दे दी, आपकी जो काम करने वाली उनके हवाले कर दिया और बच्चों को सही आपने लुक आफ्टर नहीं किया और पैसों के चक्कर में रहे, तो फिर आपके बच्चे भी फिर वही रिजल्ट देंगे जो आपने उनको दिया है। ऐसा है कि नहीं सिस्टर? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये चीज़ें बहुत मसले पैदा करती हैं। देखें जैसे हम अभी सिगरेट की भी बात कर रहे हैं, आपने छालिया की बात की, इनको हम गेटवे टू ड्रग्स कहते हैं। यानी आप जब एक बच्चे को ये रास्ता दिखा देते हैं तो फिर बच्चा एक चीज़ पे रुकता नहीं है, फिर उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर वो उससे आगे उसको चरस नज़र आती है, फिर उसको बियर नज़र आती है, फिर उसको शराब नज़र आती है, फिर उसको कुकेन नज़र आती है, फिर आइस नज़र आती है। तो ये जो चीज़ें ना जिसको हम छोटा मोटा ये चीज़ें कहते हैं, हम छालिया खा ली, सौंफ खा ली, हर वक्त मुँह में कुछ मौजूद है उसको आप चबा रहे हो, पान खा लिया, नसवार हो गई, इस किस्म की चीज़ें, तो ये गेटवे हैं, ये आपको फिर बच्चों के फिर ये कहीं रुकता नहीं है। एक चीज़ आपने इंटरेस्ट दे दिया तो फिर आगे इंटरेस्ट की कोई इंतहा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है सानिया, आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने हमने मिल के कोशिश की है कि थोड़ी सी बातें हम अपने नाज़रीन से कर सकें। एंड वकील साहब आपको बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे एक बार फिर एक सेशन लगाएं और अपने नाज़रीन को अवेयर कर सकें। कोशिश करते रहना चाहिए, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी पॉजिटिव गुफ्तगू भी करते रहना चाहिए, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। यहाँ लेके छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी जी। हमें इस हेयर स्टाइल को देख रही थी, फिर अपने हेयर स्टाइल को देख रही थी और ये ज़बरदस्त हेयर स्टाइल मेरे हाथ में है और लड़कियां हेयर स्टाइल सीखना चाहती हैं और आज हम इनिशियली आपको बताएंगे, क्योंकि समटाइम ये होता है बहुत सारी ब्यूटिशियंस मौजूद होती हैं तो हेयर स्टाइल रह जाता है, तो आज हम आपको पूरे बेसिक से सिखाएंगे कोई भी हेयर स्टाइल। अभी वो बिल्कुल मैं मिलवाती हूँ, आपको सब्र कर जाए। तो आज हम आपको ब्राइडल मेकअप भी और हेयर स्टाइल स्पेशली, तो ये बड़ा प्यारा आपने देख रहे हैं ये डबी के ऊपर, ये वो लड़कियाँ जो थोड़े से कर्व्स बाल पसंद करती हैं वेव्स वाले, तो ये आप बिल्कुल यहाँ पर भी थोड़े थोड़े बीट्स भी लगा सकती हैं लाइक, और यहाँ पर एक बंच लगा हुआ है, बड़ा प्यारा सा स्टाइल है। ठीक है जी। अच्छा जी नाज़रीन, ब्यूटी सेगमेंट में मैं करती हूँ आपको वेलकम और आज हमारे दरमियान दो ब्यूटिशियन मौजूद हैं। मेरे इस हाथ पे जो इस वक्त मौजूद हैं ब्लैक सूट में, वो हैं इस वक्त रुबीना फ्रॉम रोशनी सलोन। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। गुड गुड। और आपने काफ़ी हद तक ब्राइड लेकिन इसलिए तैयार कर ली क्योंकि एक और ब्राइड ये बिल्कुल बेस से बताएंगी कि सबसे पहले क्या लगता है उसके बाद क्या लगता है, इसीलिए आप ये ना समझे लो भाई ये तो तैयार है और सभी कह रही है आज हम बेसिक से सिखाएंगे। ठीक है ना जी, एक और ब्राइड आपके मॉडल और ब्राइड है हमारे साथ, वो मैं फिर शुरू से ब्राइड नहीं है मॉडल है, मॉडल है। अच्छा जी चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी हमारे पास इस वक्त इस हाथ पर जो हेयर स्टाइल की मैं बात कर रही थी तो यहाँ पर मौजूद है रिजवाना फ्रॉम रिजवाना सैलून से, और इस वक्त जब मैं बात कर रही सोच रही थी तो रिजवाना जो है एक रूम में सैलून है इनका, तो इन्होंने कहा कि मैं अभी सैलून खोलूंगी। मैंने कहा डोंट यू वरी, काम अच्छा होना चाहिए, अपने अपने एम्बिशंस को, अपनी सोच को, अपने पैशन को इस उसमें मत सोचे कि सैलून खोलेंगे नहीं। आपका अगर एक रूम का भी सैलून है तो आपका काम अच्छा होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड गुड जी। रिजवाना हमारे दरमियान मौजूद है, कौन सा स्टाइल सिखाओगे रिजवाना? आज मैं फ्लावर बन बताऊंगी आपको, फ्लावर बन, और है ना पीछे से फ्लावर होंगे, आगे से ब्रेड बनाऊंगी। अच्छा गुड। चलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ये बताइए ताकि हमारे नाज़रीन देखें। सबसे पहले पार्टिंग करेंगे, हम दो साइड की पार्टिंग करेंगे, डन है। उसके बाद हम पीछे बैक कॉमिंग करेंगे, ओके। उसके बाद हम पीछे फ्लावर बन बनाएंगे, ओके। जी नाज़रीन देखें, हम साथ साथ हमारी आप आवाज भी सुनते रहे और मेरी प्यारी बहन रिजवाना के जो है हाथों को भी देखते रहे कि किस तरीके से इन्होंने पार्टीशन किया है हेयर का, डमी के ऊपर बता रही हैं और इन्होंने दोनों साइड पे आपने देखा होगा, थोड़ा सा गुड़िया इस साइड हो, आप इस साइड हो ताकि आपको ना दोनों ये आप कैमरे पे फोकस हो रहे हैं। यस मेरी बहन के जो बुरकों के, एक तो ये फैशनेबल बुरकों में इतने बड़े बड़े आप लोग स्लीव्स रख लेते हैं
हंस रही है मैं। चले जी, ये इन्होंने पार्टीशन किया है और ये ले लिया इन्होंने बैक कॉमिंग के लिए सेंटर से। हेयर गुडे गुड़िया, आपके जो स्लीव्स जो हैं वो इतनी बड़ी बड़ी हैं कि वो यस ये कर लें आप गुड, ताकि आपका जो काम है वो नाजरीन है मेरी प्यारी प्यारी ब्यूटिशियन जो देख रही हैं जी। नाजरीन आप देख रहे हैं ये पार्टीशन हो रहा है और थोड़ा मेरा ये गुड मॉर्निंग विद सभी का जो ज़बरदस्त म्यूजिक बज रहा है उसको थोड़ा सा ऊपर करें, बड़ा ड्रैग सा लग रहा है, खामोश सा। यस गुड, हम बैक कॉमिंग करेंगे। यस बैक कॉमिंग गुड, और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। गुड आहिस्ता आहिस्ता और टाइटली करनी, ओके टाइट नहीं करना। और ये देखें जी स्प्रे भी किया जा रहा है, ये स्प्रे हम गुड है जी, ताकि ये क्या होगा इसकी स्प्रे करने का रीजन ऊपर लग गया। हम दुपट्टा सेटिंग जब करते हैं ना तो उसमें ना ये पीछे जो बाल होते हैं वो खराब हो जाते हैं, बिल्कुल भी नीचे हो जाते हैं बिल्कुल। अच्छा इस वजह से? हाँ, इस वजह से हम करते हैं तो वो स्टे कर सके ताकि इसको कंट्रोल में रख सके, कंट्रोल करने का रीजन। और ये सेकंड बार टाइम इन्होंने लिए है बैक कॉमिंग, देखिए फुल आपको सिखाया जा रहा है, समटाइम आप लोग नहीं सीख पाते हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और अगर गुड मॉर्निंग विद शो में, गुड मॉर्निंग विद सभी में आप अगर आना चाहें तो बहुत इजीएस्ट है 03442069902, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा और 03158248704, आप दोनों नंबर में किसी पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन करना है तो आप ऑफकोर्स हमसे रब्ता आपको करना बहुत ज़रूरी है, तो देन आप हमारे मॉर्निंग शो में आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हम रुबीना की जानिब चलते हैं। रुबीना आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे आपने क्या क्या आपने या हम लोग नए मॉडल पे यूज करें जब फिर हाँ, आपको जब हम नए मॉडल पे यूज करेंगे ना तो मैं बस इनको रेडी करके। ठीक है देन मैं समझ गई। चले जी इन्होंने कहा ये पूरा रेडी करें क्योंकि वो जो न्यू मॉडल है वो फ्रेश है, उनका पूरा मुंह धुला हुआ है, हाँ उस पर पूरा ब्रीफ कर देंगी। और ये देखें जी बैक कॉमिंग हो रही है जबरदस्त रिजवाना माशाल्लाह। रिजवाना मेरी मेरी बेनतहा आपको दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप बड़ा सा सैलून खोले। थैंक यू। और देखिए कोई भी काम होता है इनिशियली तौर पे स्किल्स वुमेन्स हैं ऑफ कोर्स काम कर रही हैं और काम करना चाहती हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया करते रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा रिजवाना कौन सपोर्ट करता है घर में? अम्मी और अब्बू। अय अल्लाह, ये अम्मी अब्बू जो गॉड गिफ्टेड है ना ये अल्लाह पाक। और मेरी एक फ्रेंड भी है ज़ैनब शराज और रुबीना बाजी भी है। अच्छा ये वो यूं किया इन्होंने रुबीना ये, ये 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 वो लोग होते हैं जो हमारे कसम से मैं समझा के नहीं लाई थी। अच्छा अपने दिल से बोल रही है रिजवान ने, दिल से बोल रही है मैंने नहीं। अच्छा जी नहीं नहीं, ये तो हम लोग देखे ना कितनी मेरा खूबसूरत सा ब्यूटी सेगमेंट का गुलदस्ता है और ये प्यार मोहब्बत में चाहती हूँ कि ये सब थैंक्स फॉर पीबीआई प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री, अगर ना बनती तो मेरे साथ ये प्यारे प्यारे फूल जो गुलदस्ता है ये ना बनते। एंड थैंक्स फॉर अर्श, अर्श ने ये सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और ऐसी खवातीन जो चाहे एक रूम से सलून रन कर रही हैं या लाइक उनका जो है काम बहुत अच्छा है और वो चाहे हेयर स्टाइल बनाना चाहती हैं, मेहंदी है, ब्राइडल है या किसी तरह का भी उनकी स्किल्स हैं वो इसको आगे लाना चाहती हैं, तो ये पीबीआई प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री, मतलब ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत कुछ आता है। अगर हम ब्यूटी इंडस्ट्री की बात करें तो ड्रेस डिज़ाइनर भी आता है, ब्यूटी इंडस्ट्री की बात करें तो स्किन स्पेशलिस्ट भी आता है, ब्यूटी इंडस्ट्री की बात करें तो ब्यूटिशियंस आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं। तो हम माँ जी ये देखें अल्लाह ज़बरदस्त रिजवाना, ओ हो हो। अच्छा बैक कॉमिंग हमेशा एक ही स्टेप में लेके छोड़ देते थे लेकिन अब मैंने देखा बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है इसका जी, कि आपने वन बाय वन ऐसे करेंगे तो बिल्कुल जबरदस्त रिजल्ट आएगा और फिनिशिंग भी आएगी, फिनिशिंग भी आएगी। साथ साथ इन्होंने छोटे से टेलकॉम से ये देखे जी नाजीन, अब जरा सा आप कैमरे वो वहाँ पे भी कैमरा ना चंदा ऐसे गुड, अगर आप उसके आगे आ जाएंगे ना तो फिर आएगा नहीं सही रिजल्ट, मुझे पता है आपको मुश्किल हो रही होगी पकड़ने में लेकिन बिल्कुल। और बहुत कुछ खवातीन जो हैं वो कर सकती हैं और करना जानती हैं।
एक चीज है सभी मैम कि अगर इंसान में हिम्मत हो ना तो कोई भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता, चाहे कितनी ही मुश्किलें आ जाए, आप में हिम्मत होनी चाहिए। बड़ी बात है ये रुबीना सही कह रही है। अच्छा रुबीना, हम यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे क्योंकि नेक्स्ट मॉडल इनकी बिल्कुल रेडी है, हम उनको फिर यहाँ पे बुलवाएंगे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड ब्यूटी सेगमेंट के साथ। आते हैं बस बेचारी बड़े गुस्से में थी, आ जाए आप यहाँ पे। हमारी मॉडल लग रही अच्छी थी, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन क्या थी कि बस जरा से गुस्से में थी, स्माइल नहीं कर रही थी। मैं इसको बोली थी भाई स्माइल भाई आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन बहुत अच्छा आपने रुबीना बहुत जबरदस्त काम किया है। और मैं बात करूंगी उन ब्यूटिशियंस की जो एफर्ट्स कर रही हैं, आगे आना चाहती हैं, कुछ करके दिखाना चाहती हैं, तो ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग विद सभी का प्लेटफॉर्म आपके लिए है। नंबर है 03158248704 एंड 03103442069902 पे। अच्छा जी, हम रिजवाना की जानिब चलते हैं और रिजवाना से पूछते हैं कहाँ तक आपका हेयर स्टाइल पहुँचा। वेलकम अगेन जी, ये क्या बन गया है थोड़ा हमें, ओए होए जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त, वाह वाह वाह। ये क्या जुड़े बुड़े बनाए आपने जी? ये बन बन रहा है, फ्लावर बन जी। नाजी आप देख रहे हैं, आप ये आप अक्सर जो साड़ियां पहनती हैं और बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसेस भाई की शादी में, बहनों की शादी में, तो ये जो जो है हेयर स्टाइल आप ऑफ कोर्स बड़ा जबरदस्त, बड़े मेहनत तलब है यार इस वाना जी। ब्राइडल है ना, ये ब्राइडल भी है, आप ब्राइडल पे भी ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, बना सकते हैं जरा सा। और ये है कि अगर आप ट्विस्ट करके बनाएंगे तो ये भी अच्छा लगेगा, अगर ब्रेड बना के और फिर फ्लावर बनाएंगे उसे भी अच्छा लगेगा। चले अभी बताएं ना कैसे बनाए फ्लावर, एक किस खवातीन को जो ब्यूटिशियन देख रही है वो सीखेंगी, एक बनाए क्योंकि आप कुछ बना चुकी हैं ब्रेक में, तो कुछ अभी एक आध यहाँ पर स्टेप बताइए बनाया कैसे। मैं भी क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि ये कैसे बना। ऐसे ट्विस्ट करते जाएंगे जी, ऐसे ट्विस्ट। अच्छा जी, दो 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 लटे ले ले जी। ओके, उनको घुमाए ऐसे करके ऊपर नीचे, गुड, ठीक है। ओके, उसके बाद इसको हम फोल्ड करेंगे, ठीक है, फोल्ड किया जी। नाजिन आप देख रहे हैं कितने जबरदस्त अंदाज में ये जी। अच्छा अच्छा अच्छा, यू जलेबी फ्लावर बन, थोड़ा सा कैमरे को दिखाओ ऐसे कैसे बनाए, गुड, ये देखें जी नाजरी। ओके, उसके बाद इसको पिन अप कर दिया, उस साइड का दिखाएं,
ताकि ये जब लग रहा हो, क्योंकि ये इस साइड आ गया ना बिल्कुल, एक उस साइड का दिखाइए, चाहे उसे खोल के बना के दिखा दे। जबरदस्त ये जरा म्यूजिक मेरा बंद हो गया है, कहाँ चला गया? जबरदस्त तरह से म्यूजिक हमारे लगाए ना, गुड मॉर्निंग विद सभी का। अब हम ये जो बीच वाले बाल है ना ये छोड़ देंगे। ओके नहीं चलता, एक जो है ना ये मेरे नाज़रीन को दिखाई, इस साइड का निकाल के कि ये किस तरह बना। यस ये एक स्टेप दिखाएगा जी, तमाम ब्यूटिशियन देखें ये किस तरह बन रहा है। ये दो लेयर लेंगे बालों की। यस ये देखे दो लड़ियां, इन्होंने लटे ली या लड़ियां ली जो भी ये टर्म ऑफ ब्यूटी टर्म है। और ये देखें जी घुमाया है। यस आ गई फिर सुबह, मैं देखती हूँ जहाँ। जबरदस्त, साथ साथ म्यूजिक और साथ साथ ब्यूटी सेगमेंट। और ये देखें जी इन्होंने जलेबी घुमाई और ये लगा दिया, ये हो गया छक्का। इन्होंने चौका नहीं मांगा, इन्होंने छक्का मारा। गुड जी जबरदस्त। और ये देखें एक और बार इन्होंने की यू राउंड अबाउट और देन इन पिन अप। ठीक है जी, इससे हमारा मैसी लुक भी आएगा, मैसी लुक। ओके बेस पे आ जाए रूबीना, आपके पास आ जाऊं? कितना रह गया? इसे क्लोज करें ताकि जल्दी से फिर मैं मुझे आवाज दे, मैं फिर इनके बाद आपके पास बेसिकली शिफ्ट होंगी। ठीक है ये देखें जी, और बाद में साइड साइड में ये कहूंगी शहजाद भाई, यानी कि हम रूबीना को भी और इनको भी साथ साथ हम दोनों को मर्ज करके दिखाते रहेंगे ताकि पता चले। चले जी हम लोग रूबीना की जानिब चलते हैं और इस वक्त देखेंगे रूबीना ने जो है वो क्या प्रेजेंट किया है। और रिजवाना जो है इस वक्त हमारे दरमियान जो है ये हेयर स्टाइल बना रही है, और रूबीना ने जो है आज हमने बेसिकली रूबीना में इनिशियली बताएंगी सबसे पहले क्या लगेगा, क्योंकि आज बिल्कुल वॉश आउट आपको फेस नजर आएगा। और रूबीना अक्सर कहती है कि हम स्टार्ट से बताना चाह रहे हैं, तो ये अब मैं देखूंगी, पता नहीं ये मेहंदी की दुल्हन है या ये खुद ही बताएंगे। रूबीना जी, रूबीना बताइए कौन सी दुल्हन है ये? इसको मेहंदी की दुल्हन भी आप कह सकते हैं, एंगेजमेंट की। हाँ एंगेजमेंट की भी, मतलब आजकल तो यही कलर चल रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो लाइट सा मेकओवर है। लाइट सा मेकओवर। चलिए जी सबसे पहले क्या लगेगा वो बताइए। सबसे पहले हम इनको कैमोफ्लाज करेंगे। कैमोफ्लाज करेंगे ओके। सबसे पहले जी आप चेहरा देख ले नाज़रीन, सिर्फ उन्होंने मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं किया, मेरे ज्वेलरी ठीक है वेयर, क्योंकि टाइम जरा बचा ले। ओके डन ठीक है। कैमोफ्लाज के लिए मैं ले रही हूँ क्रायलॉन। आप सबसे मेन चीज, मैं सबसे पहले ये समझा देना चाहती हूँ कि आप टेक्निक फॉलो कीजिए। कोई भी ब्यूटिशियन आपको सिखा रही है आइज बंद करो, ठीक है, तो आप उसकी टेक्निक फॉलो कीजिए, आपकी उसका ब्रांड मत फॉलो कीजिए। ओके हम किसी ब्रांड पे काम नहीं कर रहे हैं, हम एक टेक्निक पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको कंसील करूंगी, इनकी आईज को, अंडर आईज और लेड को। क्रायलॉन F17 है मेरे पास, वो आप जब लेंगे तो आप अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से लें जो भी। ओके ठीक है, ऊपर देखो अच्छा जी। सबसे पहले हमने देखा है, हमने कैमोफ्लाज कर दिया इनको। यस और मैं इस वक्त इनके पास आ गई हूँ, और मैं हमारी जितने नाज़रीन यहाँ देखने वाले हैं हमारे, मैं उनसे बात करना चाहूंगी वो ये कि सरप्राइज को फोकस करें, मेरे साथ इनको फोकस करें या मैं इस साइड आऊं? जी जाहिर इस तरफ है। ओके डन है। अच्छा जी इस वक्त ये ब्राइट मॉडल रेडी हैं और इनको बिल्कुल क्लोज से ऑफकोर्स फोकस किया गया ताकि आपको बेसिकली बेसिक समझ में आए कि हमने सबसे पहले क्या यूज कर लिया है, क्योंकि अक्सर ये होता है टाइम हम लोग बचाते हैं। हाँ। चलिए जी सबसे पहले हम लोगों ने क्या लगाया? मैंने कैमोफ्लाज लगाया है क्रायलॉन पूरे चेहरे पे, नहीं नहीं सिर्फ मैंने आईज पे लगाया, बाकी नीड ही नहीं है। चलिए ठीक है ओके ठीक है। अब मैं क्रिस्टीन का 38 शेड ले रही हूं डर्मा एक्स का। अच्छा ये आपने जो कैमोफ्लाज लगाया है वो सिर्फ आपने कहा कि और जरूरत नहीं, अगर जरूरत हो तो फिर लगाना? फिर लगा। अगर जरूरत होगी देन उसे फिर यूज किया, कहीं और दाग धब्बे ज्यादा है इनकी ऑलरेडी स्किन जो है नूर की वो काफी साफ है और हाइजीनिक है इनकी स्किन। ओके तो कहीं नीड मुझे फील नहीं हुई तो इसलिए मैंने नहीं किया। और ये जो डर्मा एक्स है ये ऑलरेडी कैमोफ्लाज इसमें मिक्स होता है, तो बाकी जो आपको थोड़ा बहुत हो इशू स्किन का वो इससे कवर हो जाएगा। और मेरी जितनी ब्यूटिशियन है सुनने वाली है देखने वाली है और जो सीखना चाहती है
तो वो क्वेश्चन भी कर सकती हैं, लाइव हमें कॉल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स के कुछ भी पूछना है। और रुबीना इस वक्त जो है बेसिकली अभी जो क्या लगा रहे हैं बताते जो एक बार। मैं ये डर्मा एक्स का लगा रही हूँ, क्रिस्टीन का डर्मा एक्स लगा रही हूँ 13। जी इस वक्त डर्मा एक्स लग रहा है, क्रिस्टीन ब्रांड है 38 इन्होंने उसका नंबर जो है। अच्छा इसमें बहुत रेंज होती है, डिपेंड ऑन योर स्किन कि आपके स्किन के ऊपर को क्या सूट करता है, लाइट है आपके स्किन टोन के ऊपर क्या प्रेजेंट किया जाता है। तो ऑफकोर्स ये वाला मेरे ख्याल में स्क्रीन पर ज़रा दिखाइएगा इस तरफ से, मैं स्क्रीन से रिमूव, यस आप बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं, दैट्स गुड, ये ज़्यादा बेहतर है। ओके मैं चाहती हूँ हमारी जो ब्यूटिशियन है वो ऑफकोर्स सीख सकें, उनको समझ में आए, और ये हमेशा स्किप हो जाती है कुछ चीज़ें। अच्छा साथ साथ मैं चलती हूँ रिजवाना, रिजवाना कहाँ तक आपका हेयर स्टाइल अभी आगे का? जी अभी आगे का बन रहा है, ब्रेड बन रही है यहाँ। गुड जी रिजवाना की तरफ चलते हैं, और मैं आज स्टूडियो में मूव कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि जरा सा पता चले कि काम क्या हो रहा है। अच्छा जी हेयर स्टाइल पीछे से बैक से जी नाजिन में अगर यूँ नजर आ रहे हैं, ये देखें जी, ये देख लें आप, गुड है जबरदस्त, ये इनका बैक साइड से, यस। अच्छा इसको भी बाद में, यार जबरदस्त लग रहा है देखो ना, इतना प्यारा लग रहा है, इसको बाद में हम लोग डेकोर भी करेंगे ना, बीड्स वगैरह। चले जी, अच्छा मेरी प्यारी बहन आप क्या लगा रही हैं आप, इसका यहाँ पर मूव करें आप, मैं यहाँ पे ब्रेड बना रही हूँ। ठीक है बनाए आप, देख रहेंगे नाजी, यस जी जी। देखिए इस वक्त रिजवाना जो है ये क्या बना रहे, ये तीन स्टेप में इसको ले लिया, स्टेप में लेंगे। ठीक है ये फ्रंट वाला साइड है ना जी, फ्रंट डन, ठीक है जी फ्रंट से इन्होंने लिया है, और अब इसको किस सूरत में बना रहे हो, फ्रेंच में जी, फ्रेंच स्टाइल में। शुरू शुरू में मुझे इसको जब स्टार्ट जब ये नया नया आया था तो कभी हमें तो नहीं मालूम आया, तो बहुत टाइम से होगा, तो हम अगर हमारी फ्रेंच बना दो, और वो यहाँ से शुरू होती थी रुबीना, अब तो बहुत से ये मत कहो कहाँ का, व्हाट डू यू मीन, मतलब वैरायटी आ गई है ना यार, मतलब बैक पे भी बना सकते हो आप, साइड पे भी बना सकते हो। अच्छा मैंने 38 के ऊपर इनको ब्राइट लुक देने के लिए मैंने आइवरी का शेड दिया इनको डर्मा एक्स का। अच्छा ठीक है, और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ काशीज का फाउंडेशन। गुड है जी माशाल्लाह, ये अच्छा खासा एक्सपेंस है। हाँ जी ये अच्छा खासा एक्सपेंस लगता है। चले जी इस वक्त देखें एंगेजमेंट की, आप मेहंदी की हल्का फुल्का जो है एक बेसिकली तो बेस होता है चेहरे का, और कंट्रोलिंग होती है जो स्पेशली, ये देखें जी ये लग रहा है इस वक्त काशी का जी, काशीज का। अक्सर खवातीन जो है वो सीखना भूल जाती हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं ऑफ कोर्स। ये देखें जी बेहतरीन अंदाज रुबीना का, और ये पफिंग का तरीका देखें जरा कितने स्मूथ लेवल पे, वो रगड़ा रगड़ी नहीं करना चाहिए प्लीज, जरा सा स्मूथ लेवल पे देखें आप, अगर इसको रब करेंगे ना तो वो नीचे वाला बेस भी उतर के आपके हाथ में आ जाएगा। तेरी फेरो तो वो जूने वाला हिसाब मत करना, बर्तन में और स्किन में काफी फर्क होता है। और रिजवाना कहाँ तक पहुँचे आपका स्टाइल, वो सब बनने कंप्लीट हो जाएगा अभी। ओके अभी बीट्स लगेंगे और उसके बाद फ्लावर लगेंगे, उसके बाद बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। क्या बात है, अच्छा ये एक मैं नाजीन से बात करना चाहूंगी कि साथ साथ मुझे प्यास भी लग गई है, और वो ये कि ये भी एक फन है, जैसे एक आर्टिस्ट होता है ना वो ड्रामे में काम करता है, और ये जो हाथ से काम किया जाता है, कुछ पेंटिंग करते हैं कुछ गाना गाते हैं, तो ये एक मैं कहूंगी कि ब्यूटिशियन और ये ब्यूटी फील्ड भी एक फन है, और इसमें भी अपनी क्रिएटिविटी अपने कुछ ना कुछ क्रिएशन बनाई जाती है। अब आपने देखो होगा हमारे जहन में हमेशा ब्राइडल का एक कॉन्सेप्ट होता है दुल्हन बनाना, नहीं कुछ फिर उसके अंदर क्या क्या क्रिएशन है, एक बहुत ह्यूज जिसे कहते हैं उसमें मेहंदी के डिज़ाइन आ जाते हैं, स्टाइल के डिज़ाइन आ जाते हैं, फिर मेकओवर के स्टाइल आते हैं, कुछ लोग शिमर लगाते हैं आइज़ के ऊपर, आईलाइनर में शिमर आ गया है, कुछ लोग ग्लिटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, कुछ बीड्स से चेहरे उस पर सॉरी यहाँ लगाते हैं, कुछ यहाँ पर भी कुछ नग वगैरह आ गए थे,
और स्टार्स लगते थे और यू लिपस्टिक के डिफरेंट कलर्स हैं, आई शेडोज के डिफरेंट कलर्स हैं, तो ये भी क्रिएशन है मैं ये कहूँगी। कैसा है रुबीना, सही कह रही हूँ? बिल्कुल। अच्छा अब मैंने इनको फाउंडेशन के ऊपर मैं इनको कॉम्पैक्ट पाउडर का टच दे रही हूँ और ये भी आप ऐसे ही डैप करके देंगे, इसको भी रब नहीं करेंगे आप। अच्छा कोई चीज आपने देखा, मैंने कहा वो टैपिंग जिसे कहते हैं वो ज्यादा हो रही है, रपिंग नहीं की जा रही जबकि उसे टैप किया जा रहा है बार बार इसको ताकि वो अच्छा रिजल्ट दे। अच्छा वो रगड़ा रगड़ी इन्होंने मना किया, ऐसा नहीं होता। आप देख रहे नाजी, ये देखें आप बेस इसका कितना स्मूथ है, मतलब आपको कहीं से भी साथ से रुबीना गाइड भी कर रही है, निचाई नहीं लग रही है बेस में कि कहीं से हल्का हो और कहीं से डार्क हो या कहीं से उतर कर हाथ में आ गया हो। मैंने अभी कितनी सारी चीजें इन पे अप्लाई कर चुकी हूँ लेकिन आप देखें कि इसको नहीं लग रहा कि आपने बहुत ज्यादा केकी लुक दे दिया हो ना। अच्छा वो बड़ी चीज नहीं लग रही है। ओके आपने हर एक को एक क्वांटिटी में लेकर चलना है, ये नहीं कि आप लगाए जा रहे लगाए जा रहे। टाइम कम है जरा जल्दी चंदा, ये ना आपका तोड़, मैं चाह रही हूँ कि इतना हो जाए कि बच्ची प्रेजेंटेशन उसकी रेमबो हो जाए, ये ना रह जाए तो टाइम जरा सा कम होता है, फिर ये ना आपका काम रह जाए। अच्छा जी आपका रिजवाना कितना रह गया शहजादी? कम्प्लीट होने वाला है, दूसरी साइड से ब्रेड बना रहे हैं। जी जी बेहतरीन, बहुत ही स्मूथ स्टाइल में। और ये देखिए ये जब आपसे चार्ज लेते हैं ना तो बिल्कुल ये अपनी मेहनत की वसूली लेते हैं, जैसे मैं कहूँगी ये मेहनत करती हैं, टाइम देती हैं ऑफ कोर्स, तो सीखती हैं जब उस पर भी इनके बहुत चार्जेस लगते हैं, कोर्सेज करते हैं, फिर प्रोडक्ट खरीदना, फिर स्प्रे और बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं। तो ये आर्ट सीखना भी एक इतना, आप सब समझते हैं कि भाई सलोन ये ऐसा इतना ईजीएस्ट नहीं है कुछ पॉलर खोलना या ये इसमें भी बड़ा कॉस्ट लगती है, तो ऑफ कोर्स ये अपने बहुत टाइम देती हैं सलोन में, जो कभी कभी मैं सोचती हूँ सुबह ऑफ कोर्स आप लोग इनका कभी सलोन जब स्टार्ट हो जाता है जो इन बाउंड होती हैं ये लोग लाइक 10-11 बजे जो निकलती हैं तो रात को 10-11 बज ही जाते हैं और क्लाइंट का इसमें कोई टाइम नहीं है, वो किसी वक्त भी आ जाए। अच्छा इसमें हेयर कलरिंग, ऑफ माय गॉड, इसका तो एक बड़ी रेंज है। हेयर कलर्स की बात करूँ, अभी मैं ब्यूटी की बात कर रही थी कि आई शेड्स और डिफरेंट लाइक मेकओवर है, मेहंदी है, फिर अब नेल्स आ गए हैं, फिर आई लैशेज आ गई हैं और हेयर कलर्स तो इतने ज़्यादा हैं कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा है। जैसे हेयर कटिंग ब्यूटी इंडस्ट्री, ब्यूटी सलोन से रिलेवेंट तो रेंज आउटस्टैंडिंग है, मतलब बहुत बड़ी रेंज है, जो मैं बताना शुरू करूँ तो वो नहीं, मैं पॉसिबल नहीं होगा कि मैं सबको एक कूजे में बंद कर दूं, कूजे को दर क्या बोलते हैं, एक डिबिया में बंद कर दूं। तो इसकी एक हेयर कलर्स की बड़ी रेंज है, बहुत डिफरेंट, जैसे आपका अगर ड्रेस है तो कुछ लोग जिनको कुछ लोगों को कलर्स सूट करते हैं लाइक ब्राउन, चॉकलेटी एंड एश ब्राउन, एश कलर बहुत पसंद है कुछ लोगों को, तो हर पर्सन पर अलग अलग कलर सूट करते हैं। लेकिन अगर ब्रांड का प्लीज़ ज़रा सा ख्याल रखें, विदाउट आप ऐसा ब्रांड यूज़ करें जो आपको सूट ना करता हो और आप लोकल यूज़ कर लें तो फिर आपके हेयर डैमेज भी हो सकते हैं। जी ये ब्लश ऑन लग रहे हैं? हाँ जी। गुड है, जल्दी 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 मेरा सोना शाबाश। रुबीना जी इस वक्त जो हैं फटाफट और झटापट कर रही हैं क्योंकि लाइव शो है, कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं। क्या बात है भाई, ओहो ज़बरदस्त, और काफ़ी हद तक रिजवाना ने कम्प्लीट कर लिया है। अब हम फिर से फोल्ड कर रहे हैं। ओके फिर से फोल्ड कर रहे हैं। ओके गुड है, ट्विस्ट बना रहे हैं ताकि जो ये हमने पिंस लगाए हैं ना ये छुप जाए। ओके अच्छा जी मैं अपने नाज़रीन से कहना चाहूंगी प्लीज 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 आप हमें 4 मिनट में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये जल्दी जल्दी करें, 4 मिनट लिपस्टिक लगा दें इनको, मुश्किल होगा मेरे ख्याल में, नामुमकिन है। 10 मिनट दे दें तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। आई हैव जस्ट ओनली 4 मिनट 4 मिनट। ओके गुड़िया आप जल्दी कर ले, आप पूरी स्क्रीन के आगे आ गई है, इसको घुमा ले ना गुड़िया, इसको घुमा लीजिए ऐसे ऐसे, चलें पूरा नहीं इस तरह ऐसे कर लीजिए, चलिए जी बनाए ऐसे। यस अच्छा जी होता है ऑफकोर्स, वो मैं तो रोजाना शो करती हूँ तो ऑफकोर्स उन बच्चियों को तो नहीं मालूम कि कैसे कैसे टर्न करना है। और जी किसका रिजवाना कितना रह गया चंदा? यस जस्ट लास्ट, इसको क्लोज करें और फिर जो भी आप इसको बंच लगा के डन करें ताकि रिजवाना का एक काम तो हो जाए।
चले कोई बात नहीं, आपका ये है ना, ये आपकी ब्राइड रेडी है, तो बाकी हम इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रिकॉर्ड करके रात को जो है रिपीट शो जब चलेगा उसमें रुबीना का जो है मजीद काम दिखा देंगे। रुबीना फिर भी क्लोज करने की कोशिश करें, लिपस्टिक लगाएं, और वैसे भी मेहंदी पे बहुत लाइट सा मेकओवर होता है, और इनको सिर्फ मस्कारा लगा दें, ठीक है। ये लग रही है लिपस्टिक, क्योंकि ये इन्होंने कहा है कि मेहंदी तो मेहंदी में बहुत लाइट सा ही होता है, अब उसको इतना फुल हार्श मेकओवर कर देंगे तो फिर वो बारात में क्या तैयार होगी, क्या कहते हो आप? बिल्कुल, बस जल्दी से कर ले और इनको लगा दे मस्कारा और इनको प्रेजेंट कर दे। और मैं अपनी ब्यूटिशियन से बात करना चाहती हूँ और स्किल्स वुमेन से बात करना चाहती हूँ, अगर आप टैलेंटेड हैं, आप डिजर्विंग हैं, आप समझती हैं आप बहुत अच्छा कुकिंग करती हैं, आप बहुत अच्छा हैंडमेड वर्क करती हैं, आप हाथ से बनाई हुई चीज़ें बना सकती हैं, जैसे ज्वेलरी है, ड्रेसेस हैं, लाइक कुछ भी हैंडीक्राफ्ट है, और बहुत सारा कुछ है खवातीन जो करती हैं। अच्छा, 8 और 9 जनवरी को एक्सपो सेंटर में वुमेन एग्जीबिशन होने जा रही है, तो प्लीज़ ज़रूर आप लोग जाइएगा, और वहाँ पर खवातीन और बहुत सारे ब्रांड्स वहाँ पर आ रहे हैं, तो अगेन मैं अनाउंस कर दूँ तो 7 सैटरडे एंड संडे 8-9 जनवरी को एक्सक्लूसिव एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन होने जा रही है, जिसमें बहुत सारे आउट ऑफ सिटी से ब्रांड आ रहे हैं और ख़वातीन अपने स्किल्स को प्रमोट कर रही हैं। हम भी वहाँ होंगे, अगर आप हमसे मिलना चाहें तो ऑफ कोर्स आप वहाँ पर आ सकते हैं। वीनस टीवी भी वहीं पर होगा, मैं भी जाऊँगी वहाँ पर और आप लोग मुझसे मिल सकते हैं 8 और 9 जनवरी को। ये देखें जी, फ्लावर्स लग रहे हैं ताकि इसकी खूबसूरती में और मजीद इस स्टाइल में इजाफा हो सके। चलें जी, हो गया डन? हाँ जी सर। चलें जी, मॉडल आप आ जाओ, आपका हो गया? ये हो गया है डन। मैं चाहती हूँ कि मैं इजाजत चाहूँ और इनकी जो है ब्राइडल रेम्बो रेडी हो जाए और इनका स्टाइल भी दिखा दे और आखिर में उस ब्राइड को भी, ठीक है। चले जी नाजिन, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे इस दुआ के साथ कि जिस तरह नया सूरज तुलू होता है। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और सॉन्ग प्ले करें, हम पहले इनकी प्रेजेंटेशन दिखा दें फिर उनकी, और फिर उसके लास्ट आप आ जाओ।